पुक लग रही है. पुक. She's not here. Ready? Yeah. First, tell us what made a three gorgeous queen to ride a bullet, come out from the comfort zone and ride a bullet. Firstly, there are four. आज एक missing है. She couldn't be with us today. Jasmine Sanders. She couldn't be with us, unfortunately. I think सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे exciting बात ये है कि you know, to explore this country, go across the country, all the way from Gujarat to Punjab, and see the incredible work that they do and the life they lead. So I think for us that was the most exciting part. Dusri baat ye ki we were composing our own songs, writing our own songs, performing them. Aur ye gaane hum un auraton ke liye bana rahe the jo hume inspire kar rahe the us show par. And I think riding the bullet was one of the most exciting parts of our show. Don't you agree? Yeah. Jab hi MTV और सनसिल्क हमारे पास आए इस शो का कॉन्सेप्ट लेकर, तब उन्होंने हमें कहा कि आपको बुलेट चलानी पड़ेगी, आपको गाने लिखने पड़ेंगे, आपको इनसे मिलना, इन औरतों से मिलना पड़ेगा. आर यू गेम? कभी कभी लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ पे वी गेट पुश्ड इनटू द डीप एंड कि जाओ अभी स्विमिंग सीख लो, हम आपको पुश कर रहे हैं. आई थिंक इट वॉज अ पुश लाइक दैट फॉर अस, यू नो, टू बी एबल टू डू ऑल दीज थिंग्स. जो आई वॉज इन कॉन्फिडेंट, आई एम नॉट द काइंड ऑफ गर्ल हु विल गो यार आज मैं बुलेट चलाना सीखती हूँ. सो मेरे लिए एक बहुत ही चलाना सीखा और फिर हमने ये ट्रिप की. सो फ्रॉम आर साइड इट वॉज आर लिटिल अचीवमेंट, एंड इस अचीवमेंट को लेकर हम उन औरतों से मिले जिन्होंने लिटिल अचीवमेंट एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन. How was the whole experience within the music for you? लवली क्वेश्चन. आकाशा, यू शुड टेक दिस. आई थिंक मेरे लिए ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैंने एक गाना लिखा और कंपोज खुद किया है. तो जब एमटीवी ने हमें बताया कि आपको उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, और यू नो म्यूज़िक यूजुअली हम कैसे गाने लिखते हैं, हम रोमांटिक गाने लिखते हैं या हम पार्टी नंबर्स बनाते हैं, सैड नंबर्स. यहाँ एक लाइफ को इंस्पायर करने वाली स्टोरी हमारे पास थी और हमें वो सब जी कर लिखना था और म्यूजिक कंपोज करना था. तो आई थिंक इससे बड़ी प्रेस्टिजियस को हिंदी में क्या होता है मुझे पता नहीं, गर्व की बात नहीं मिली होगी हमें. ऐसा मौका शायद नहीं मिलता कि ऐसे म्यूजिक जो हम सबकी लाइफ में सबसे क्लोजेस्ट हम म्यूजिक के लिए हैं इसे हैं, और उसके जरिए हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट म्यूजिकली. इट्स लाइक वी ग्रू म्यूजिकली इन दिस जर्नी. या आई थिंक एज म्यूजिशियंस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम करते हैं उसमें अगर एक म्यूजिक का एक एलिमेंट होता है तो ऑटोमेटिकली वो एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा एनहांस होता है. और हमारे लिए खासकर क्योंकि हम फिल्मों में गाते हैं, प्लेबैक करते हैं, तो हमारे लिए वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती है कि हम कभी अपना खुद का काम बाहर पब्लिक में और लोगों को, फैंस को सुना पाए. ज़्यादातर हम म्यूज़िक कंपोजर्स के लिए गाते हैं, और यू नो बहुत अलग एक्सपीरियंस है वो. तो यहाँ पे ख़ुद के गाने बनाना, ख़ुद के लिरिक्स लिखना और ख़ुद ही उसे परफॉर्म करना, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एमटीवी ने हमें दी है. एंड वी हैड अ वंडरफुल टाइम ऑन दिस जर्नी. एब्सोल्युटली यार, यू एब्सोल्युटली आर गोइंग टू सी एवरीथिंग. आपने जो कुछ भी कहा ना, ठीक वही देखने वाले हैं आप शो में. क्योंकि हमने वही कॉन्सेप्ट, यही है, और बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है इस शो का, जहाँ पे चार म्यूजिशंस हम छोटे छोटे ऐसे शहरों में या गांव में जा रहे हैं और उन औरतों से मिलकर गाने कंपोज कर रहे हैं. ये भी हमारे लिए एक शेल में से निकलने वाली चीज़ है हमारे लिए. जैसे ही हम बाइक चलाना सीखे वैसे ही हमने ये गाने कंपोज करके ठीक होगा ना, यू नो. इट्स और इट्स ब्यूटीफुल कि एमटीवी और सनसिल्क ने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया हमारी आवाज़ को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए. सो इट्स जस्ट, इट्स ब्यूटीफुल, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है और आप सबके लिए जो हमारा शो देखेंगे आपके लिए भी, क्योंकि आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलेगी जो हमने हमारी आँखों से और हमने जो महसूस किया, हमने जो एक्सपीरियंस किया, वो सब इस शो में आने वाला है. आई एम सो एक्साइटेड आपकी रिएक्शंस देखने के लिए. मुझे सबसे सबसे एक अलग बात यह है कि आप चार सिंगर्स जिन्हें हम स्टेज पे गाते हैं, वी लिव दिस लाइफ, एक रॉक स्टार की लाइफ जो जीते हैं, शोज करते हैं, मूवीज़ के पीछे गाते हैं, उन्हें आप
एक गांव में किस तरह से, एक तो बाइक चलाते हुए सबसे तो अलग वही बात है, यू नो, एंड इस वक्त हमें देखकर नहीं आप वो इमेजिन नहीं कर सकते हमने क्या क्या किया है. हम जिस तरह की, जैसे गांव वाले रहते हैं वैसे हम रहे, वहाँ खाना खाया है, काफ़ी कुछ ऐसा किया. तो ये सबसे नॉट ओनली कि म्यूजिकली, बट चार ऐसी लड़कियों को उन सर्कमस्टांसेस में देखना एक बहुत ही, एक इसलिए भी हम सब ने आई थिंक शो को हाँ बोला था, बिकॉज ये एक्सपीरियंस रोज नहीं, शायद हम कितना ट्रैवल करते हैं बट इस तरह से उस जगह को देखने नहीं मिलता. वो फाइव स्टार होटल से निकल के जो है बहुत ही एक ग्राउंडिंग लाइफ, इंडिया को हमने आई थिंक असली इंडिया को हमने एक्सपीरियंस किया है. बिल्कुल, क्या सीखा उससे? असली इंडिया से बहुत बहुत कुछ, बहुत कुछ सीखा है. सबसे पहले तो हमने डिसिप्लिन सीखा, क्योंकि सुबह हम रोज 6 बजे उठते थे और सोने का कोई ठिकाना नहीं होता था. हम कभी रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे ऐसे. तो एक तो हमने डिसिप्लिन सीखी, एक तो ये सीखा कि इस कंट्री में औरतों की जगह जो है, जो उनको एक अपॉर्चुनिटी जो मिलती है, वो डेफिनेटली कई सालों में बहुत बेटर हुई है. लेकिन और हमें और कितना आगे जाना है और कितना दूर, दिल्ली दूर है यू नो, तो अभी बहुत तरक्की करनी है हमें. लेकिन द काइंड ऑफ वुमेन वी हैव मेट आई थिंक बहुत इंस्पायर किया है लोगों ने हमें. और हमने हम 35 वुमेन, वी वर क्रू ऑफ ऑल वुमेन ऑफ 35 पीपल. तो हमने ये भी सीखा कि ऐसा कुछ नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं, क्योंकि हम सारी 30-35 लोग जो हम सारी औरतें हैं जिन्होंने 25 दिन के लिए ट्रैवल किया है हमने, तो यू नो वी हैव डन इट ऑल. एंड अभी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो औरतें नहीं कर सकती हैं. आप मतलब हर जगह जहाँ पे भी, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो पंजाब हो, आई थिंक जहाँ पर भी हम गए, लेकिन जो हाईवे पे, जो ढाबे पे रुककर जो खाना खाया हमने, वो सबसे माइंड ब्लोइंग था. वो बिल्कुल खटिया पे. इनफैक्ट हम जब हरियाणा, नहीं हम एक्चुअली हरियाणा से जब पंजाब की तरफ जा रहे थे, तो बॉर्डर पे एक ढाबे पे रुके हम, जहाँ पे वो गुलाटी के ढाबे, तो वहाँ पे वो खटिया सारे रखे हुए थे. तो आई थिंक यू रिमेंबर वी वेंट एंड हम जाके लस्सी लेकर हम वहाँ पे सो गए. तो आई थिंक वी एक्सपीरियंस्ड इंडिया इन लाइक अ वेरी ट्रू सेंस. ओ माय गॉड, मुझे याद आया. और इन लोग सडनली भाग गए खेत में पीछे, दैट वाज सेम टाइम नो. ओके, और एपिसोड देखना पड़ेगा आपको इसके लिए, क्योंकि हम दिलवाले दुल्हनिया को रीएनएक्ट करना चाह रहे हैं. सरसों के खेल में है हमारी लड़कियां यहां पे. हां, मुझे नहीं फिल्मी बनना था तुम लोगों के साथ. हम शाहरुख खान और काजोल की कल्चर की बात करें, वहां पे कुछ पहनावा या कुछ आपने पिकअप किया उस चीजों से? बिल्कुल, राजस्थान में हमने वो राजस्थान की जो आउटफिट होती है, वो घाघरा चोली, जो वो मिरर वर्क वाली, हमने वो लिए वहां से. और कल्चर हाँ, पंजाब में पटियाला सूट खरीदा हमने, पटियाला सूट पहन के बुलेट चलाई है हमने, बड़ा मजा आया करके. तो हम यूज टू क्या है, हम जीन्स और टी शर्ट पहन के घूमते हैं एवरीडे लाइफ में. तो वहाँ पर उनकी जो ट्रेडिशनल कपड़े देखकर, और हमने कई कोशिशें की कि हम भी, बट इंडिया का कल्चर नेक्स्ट लेवल का है, ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ. बिल्कुल, कहीं पर भी नहीं दुनिया में ऐसा देखने मिलेगा. और इतने सारे कल्चर, प्राउड, इतना अलग अलग है. बिल्कुल, मेरा फेवरेट आप खाने के बारे में, सॉरी मैं पीछे आ रही हूँ, क्वेश्चन. शक्कर कंदी मैंने घर पे बनाई, उसके बाद मैंने जाकर लाया वो स्वीट पोटैटो, एंड आई पुट मसाला एंड नींबू ओवर इट. आई एम लाइक नहीं, मुझे ये अभी रोज खाना है अभी. तो ये स्वीट पोटैटो को उबाल के उसमें मसाला डालते हैं, कुछ नहीं है इसमें, नींबू और मसाला डालते हैं स्वीट पोटैटो. नॉर्थ में हर जगह, नॉर्थ में, लेकिन इतना सारा खाया हमने वो. सबसे ज्यादा मैंने, इवेंट स्टार्ट होने से पहले आप पंजाबी में कुछ डिस्कस कर रहे थे, तो पंजाबी किस किस को आई पंजाब में जाके? ओए, तो पंजाबी है, मैं तो हूँ पंजाबी. जैस्मिन सैंडलास जो हमारी उसे एक बात उसके बारे में कहना चाहूंगी, उसकी पंजाबी जो लैंग्वेज है, उसकी ग्रास्प इतनी अच्छी है. वहाँ पर लुधियाने में जाके उन्हें वहाँ की लेडीज बोली थी कि हमें आपसे पंजाबी सीखनी चाहिए. तो हम दोनों इतना पंजाबी में बात करते थे कि शालमली और अनुषा बोलते थे एट द एंड ऑफ द ट्रिप हम आपसे पंजाबी सीख जाएंगे. थोड़ी थोड़ी तो सीख ली, भुख लगी है एंड काफी कुछ सीख ली. पसंद है
गिद्दा किया हमने, गिद्दा पंजाब में जाके, वो तो आप देख रहे क्या नहीं किया, क्या नहीं किया। दर्शकों को गुनगुनाएंगे थोड़ा कुछ पंजाबी में, सब गा लेंगे। क्या गाएंगे? कोई अपने एक जुगनी। अच्छा तू गा, हम पीछे से बैकिंग वोकल देते हैं। हे वे अल्लाह वाले आदि जुगने जे, हे वे मेरे पीर दे जुगने जे, हे वे सारे सब्ज दे जुगने जे, हे वे मौला अली वाले जुगने जे। मेरी पंजाबी में पहले ओए आता है और जो बोलना है उसके बाद ओए आता है। अच्छा, बस हो गया ओए, ओए हो गया ओए, ऐसे ओए हो गया, स्टार्ट एंड फिनिश। फुल टोटल मस्ती की आप लोगों ने? फुल मस्ती भी की हम, हमने बहुत सारा रोना धोना भी किया है, क्योंकि इतने दिन जो वहाँ पे 25 दिन बिना नींद के और बहुत मेहनत, तो काफी बार रोना को मिलेगा। ऐसा कोई शो नहीं है जो इस शो से बिल्कुल सिमिलर है। तो सांसल कैन एमटीवी प्रेजेंट एंजल्स ऑफ रॉक ऑन एमटीवी 31 जुलाई से ये स्टार्ट हो रहा है, रात को 8 बजे, हर संडे 8 बजे। प्लीज एमटीवी देखिए और ये हमारा शो देखिए, हमें ढेर सारा प्यार दीजिए क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है। सबसे मुश्किल कौन सा था आपको, जब आपको लगा कि छोड़ो चलो वापस चलते हैं? ऐसे वापस चलते हैं, कभी लगा वापस चलते हैं? नहीं वापस चलते हैं नहीं, पर लगा कि नहीं आप आज के दिन हमें थोड़ा थोड़ी मेरा मेरा बताएगी मेरा क्या था बताइए एक्सपीरियंस। शाबाद की ठंड, तो 3 डिग्री 4 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री तो अभी ठंड लग रही है। शाबाद इज नॉट एज बैड एज अमृतसर। ओए अमृतसर में कहां ठंड लगी? फील्ड में हम लोग ऐसे ऐसे करके बोला नहीं जा रहा था लास्ट में। मुझे स्पेशली सबको ही थोड़ी थोड़ी, मुझे तो अब एसी में भी ठंड लगती है, वहाँ मुझे लग रहा था कि मम्मी को बोल देती हूँ मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं इतनी जम चुकी हूँ। इसलिए हमारे क्योंकि बोलना कितना होता है ना वहाँ पर, अच्छा तब लग रहा था कि अब मुझे जिस कंबल के अंदर रहने दो। और मुझे ठंड में बाइक चलाना बहुत बहुत तकलीफ, बुलेट तो सुबह के 7-8 बजे हम निकलते थे, वो भी कितने जैकेट्स पहनेंगे आप, कितने कपड़े पहनोगे, क्योंकि जैकेट पहन के चलाती है। हाँ हाँ बिल्कुल चलाती है, पर शाहबाद में जब थे हरियाणा में, तो उतनी ठंड में बुलेट चलाना और ठंड में हम वीडियोस कर रहे हैं, हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की वहाँ पे उस ठंड में, तो हालत तो बहुत खराब हो गई थी हमारी। आई थिंक बहुत अपने फैंस के लिए कोई गाने गुनगुनाएंगे सबमिट के स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, ए ए बेबी को बेस पसंद है। क्लिप को मांग रही हो 15 मिनट।